दिवस के उपलक्ष्य में टाइम्स टुडे इंडिया में हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद है सुनील राजपूत जी, जो कि योग टीचर है साथ ही योग थेरेपिस्ट है। वो बाबा रामदेव के पतंजलि योग शिविर से पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं और इंदौर में 4 सालों से योग के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे हैं। आज हम सर से जानेंगे कि भागदौड़ भरी जिंदगी में संयमित जीवन शैली के लिए योग कितना जरूरी है। सर, आपके अनुसार योग की क्या महत्ता है? नमस्कार साथियों, योग आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में योग को हम आसन प्राणायाम तक ही सीमित ना रखते हुए हम उसको अपने डेली जीवन में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावना के स्तर पर हम योग को देख सकते हैं। जैसे कि हम परिभाषा स्वामी महर्षि पतंजलि ने कहा है योग को, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, ताकि अपने जो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको निरोध करना ही योग है। भागवत गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, ताकि अपने जो सुख दुख दर्द इसमें जो भी है उसमें हम समत्ता लाना, मतलब एक समानता लाना ही योग कहा गया है। और उसी प्रकार आगे बढ़ते हम जाते हैं तो योग को भागवत गीता में अपने कर्मों के अनुसार कहा गया है कि योगा कर्मेषु कौशलम, मतलब अपने कार्यों में कुशलता लाना ही योग है। सर, जैसा कि आप योग ट्रेनर हैं, तो सर आप किस तरह का योग सिखाते हैं और आप खुद करते हैं? योग हम कराते हैं, जिसे कि वो पता चलता है कि हम योग को स्टार्ट करते हैं प्रारंभ में स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से पूरे शरीर की एक एक अंगों की एक्सरसाइज होता है। उसके बाद हम जनरल योग अभ्यास लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। एडवांस योग होता है, हठ योग होता है, राज योग होता है, इस प्रकार का योग को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं। सर, योग से क्या बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल, योग से हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। सर, जैसे कि बीमारियां किस तरह की हम नॉर्मल तौर पे योग से ठीक कर सकते हैं? सामान्यतः देखा जाता है तो सामान्य बीमारियों को हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते थे बैक पेन, कमर दर्द की शिकायत होती है, इसमें हमारा सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन इसमें ले सकते हैं हम, इसमें पूरा अपना जितना मोटापा इसमें ले सकते हैं, मोटापा को हम इसमें योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जो भी जनरल कॉमन डिजीज है उसको हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जी सर, जनरल डिजीज के साथ क्या असाध्य बीमारियां भी योग के द्वारा ठीक हो सकती है, जैसे कि कैंसर और हार्ट अटैक की शिकायत रहती है? कैंसर का तो हम उसमें पूरा ठीक तो नहीं कर पाते, पर उसको हम रोक सकते हैं, मतलब जितना संभव हो सके उसको धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आ सकता है व्यक्ति का, पर उसको हम योग के माध्यम से पूरा तो ठीक नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ा लेवल तक उसको आराम मिल जाता है कैंसर में। हार्ट अटैक जनरल होता क्या है, हार्ट अटैक व्यक्ति को जब अपने हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुँच पाती है, तो हम हार्ट अटैक को प्राणायाम के माध्यम से उसको सुधार ला सकते हैं उसमें पूरा। सर, हार्ट अटैक के अलावा सर पैरालिसिस जैसी बीमारियां? जी, पैरालिसिस को हम योगिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। योगिक चिकित्सा में हम एक योग थेरेपी को हम इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम है, बॉडी के जितने भी एक्सरसाइज है छोटी छोटी एक्सरसाइज करके उनको उससे पैरालिसिस को हम ठीक कर सकते हैं। सुनील जी, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है भागदौड़ की जिंदगी है, समय कम है और स्ट्रेस ज्यादा, वैसे अधिकतर महिलाओं में माइग्रेन और थायराइड की बीमारी बहुत ही नॉर्मल है, तो योग चिकित्सा के द्वारा क्या इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, माइग्रेन को हम योग चिकित्सा के माध्यम से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसमें हम प्राणायाम के माध्यम से माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। जैसे माइग्रेन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। माइग्रेन होता क्यों है? एक तो हमारा डेली रूटीन, लेट नाइट सोना, प्रॉपर नींद नहीं हो पाना, प्रॉपर आपका भोजन नहीं हो पाना, और एक और सबसे अच्छी बात रहती है इसमें कि हम आपका जो नाश्ता रहता है उसको हम प्रॉपर वे टाइम पे नहीं ले पाते। सुबह हम उठते हैं, हमको भूख लगती है, हम चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, चाय दूध से एक प्रकार का ठीक रहेगा, पर चाय नहीं पीना चाहिए सुबह उठ के। हम उसके टाइम कुछ सॉलिड चीज नाश्ते में हमको लेना चाहिए जो शरीर को हमको ऊर्जा प्रदान करे। और इसी में माइग्रेन में कुछ आसन है, जैसे शशांक आसन है, आपका भुजंगासन है, सेतुबंध आसन है, मार्जरी आसन है, ये माइग्रेन में हम इसको यूज कर सकते हैं। और उसी बात में आगे देखा है थायराइड विशेषकर महिलाओं में ज्यादा होता है। थायराइड के लिए हम इसमें ले सकते हैं मध्यासन ले सकते हैं, भुजंगासन ले सकते हैं,
और भी इसमें आगे हम योग में बहुत सारे आसन हैं, योगिक चिकित्सा है, उसको हम थायराइड को धीरे 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 करके ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें योग के बारे में आज इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और अलग टाइप के योगा से अवेयर भी करवाया उसके लिए। नमस्कार।